लेकिन चूंकि ये क्रिकेट है, गेम को गेम रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आईपीएल छोड़ के इंडियन प्लेयर्स को पीएसएल खेलनी चाहिए और पाकिस्तानी प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए। और एक लम्हा बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शाहिद मियाँ का सलाम। फाइनली एक और मुबारकबाद आपको, पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त दे के एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है। कल रात बहुत एक ड्रामेटिक किस्म का ये मैच हुआ है, बहुत ही सनसनीखेज मैच था जिसमें पाकिस्तान ने एक विकेट से कामयाबी हासिल की। नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और हमने ये प्रूव किया, साबित किया कि हमारा जो आखिरी 11वां खिलाड़ी भी है वो भी बहुत परफेक्ट खेलने वालों से। और जिसमें एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान शायद नहीं जीत सकेगा, क्योंकि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी गेम की है, बहुत अच्छा अफगानिस्तान ने प्ले किया, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। और क्यों ना हो, जबकि उमर गुल अफगानिस्तान के कोच हैं तो डेफिनेटली उमर गुल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अफगानिस्तान की टीम के ऊपर। लेकिन असल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उन सारी चीज़ों को समेटते हुए, ये तो कामयाबी, चलो हार जीत जो होती है गेम का हिस्सा होती है खेल का, और वो भी यानी क्रिकेट जैसे खेल का, जिसमें उससे पहले आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान से हारा है, लेकिन इंडिया की बहुत ज़्यादा तवक्कोआत थी कि कल एक बहुत बड़ा एक अपसेट जो होना था कि अफगानिस्तान से, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पाकिस्तान को हरा देगा और दोबारा से इंडिया के लिए एक और चांस बन जाएगा, यानी कि इसी टूर्नामेंट में रहते हुए और फाइनल तक पहुंचने का। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। असल बात जिसकी तरफ मैं इशारा नाज़रीन आपका दिलाना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान की टीम, अगर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो ऐसा क्यों होता है कि ये पाकिस्तान के साथ ही जब खेलते हैं तो इस तरह का रिएक्ट क्यों करते हैं, जो कि कल रात को मैच में देखने को मिला है। हर गेम के कुछ असूल होते हैं, नुमाया असूल, सुनहरे असूल होते हैं। हमने जब भी क्रिकेट देखी, जितनी भी क्रिकेट देखी खेली, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा मुमन कि कोई टीम अगर ऐसा हारी हो तो अचानक इस तरह की बदतमीजी का मुजाहरा करे। और टीम तो चलो एक और चीज़ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें डेफिनेटली डेफिनेटली यानी कि मैं समझता हूँ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए। जब मोहम्मद आसिफ आउट हो गए थे कल, तो उसके बाद बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था इस मैच को जीतना या मैच के अंदर वापस आना। और एक लम्हा बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद नसीम शाह ने ना सिर्फ इस हार का बदला लिया और बल्कि दो छक्के ऊपर नीचे लगा के पाकिस्तान को कामयाबी से हमकनार किया, बल्कि उन्होंने ये भी प्रूव किया कि पाकिस्तानी कौम हो या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वो किसी वक्त भी गेम का पासा पलट सकती है। अफगानिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरह के हैं, या पाकिस्तान ने हमेशा अफगानियों के लिए क्या किया है, या किस तरह की हमदर्दी हम लोग रखते हैं उनके लिए। लेकिन चूंकि ये क्रिकेट है, गेम को गेम रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बार बार कहूँगा कि ठीक है, इंडिया की जो भी ख्वाहिशात थी अफगानिस्तान से क्रिकेट के थ्रू, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को हराएं और फिर मैच में कुछ और पोजीशन बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैंने देखा है इंडिया मीडिया ने खुद इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ये मैच के बाद, क्योंकि उन्होंने शायद यहाँ तक भी उनके मीडिया ने कहा कि अब आईपीएल छोड़ के इंडियन प्लेयर्स को पीएसएल खेलनी चाहिए और पाकिस्तानी प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बाद में कह रहा था मोहम्मद आसिफ की, मोहम्मद आसिफ का आउट होने के बाद उनके जो प्लेयर थे अफगानिस्तान के, उन्होंने जिस बदतमीजी का उनसे मुजाहरा किया और जिस तरह की गाली गलौज दी, ये एक आम कल्चरली देखा जाए तो ये क्रिकेट के वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता।
नहीं होना चाहिए, इसको हमको कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को, और भी ये जो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स हैं इस चीज़ को शोर्ट करें कि आइंदा ऐसी ना हो। इसके ऊपर मैंने इंजमामुल हक साहब का भी तबसरा सुना, उन्होंने कहा नो डाउट के इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो सारा मैच बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन जब मैच को फिनिश करने का टाइम आता है तो उनसे क्लोजिंग नहीं होती मैच की, यही उनकी सबसे बड़ी वीक है। और अफगानिस्तान के लिए भी ये मशवरा है कि वो उसको दिल बड़ा करके खेलना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट, गेम को गेम समझना चाहिए। आज हारेंगे तो कल जीतेंगे भी, हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया की उनके साथ क्या तवक्कुआत थी, या जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था इससे पहले मैच में तो उनकी खुशी का क्या आलम था या क्या उनके जज्बात थे। वो चीज़ें ठीक है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह पर होती है, लेकिन कम से कम उनको एक अच्छे एटीट्यूड का और एक अच्छे एक जिसको कहते हैं हौसला दिली के साथ शिकस्त को कबूल करने का हौसला होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि इसी तरह 2019 में जब पाकिस्तान जीता था अफगानिस्तान से तो उस वक्त भी आसिफ ने बहुत ज्यादा इनको बीट किया था, तो उस वक्त के DGI SPR जनरल आसिफ गफूर ने जब इनको मुबारकबाद दी थी तो वो एक तारीखी लम्हा था। तो शायद तब से अफगानी यानी कि समझते हैं अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं क्रिकेट की वर्ल्ड में कि उनको पाकिस्तानी को हराना एक ख्वाब है, लेकिन ये एक आसान या मुश्किल लम्हा तो हो सकता है किसी गेम के हवाले से, लेकिन इसमें देखा जाए क्रिकेट में प्लानिंग जो होती है उसका फुकदान ज़्यादा नज़र आता है। हमने देखा कल रात को जो कि इंडिया अफगानी क्राउड्स ने किया ग्राउंड के सराउंडिंग में मुजाहरा, ठीक है वो सोचने वाली बात है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम के जो इंतजामिया उनके लिए भी आज तक UAE की क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई मैच हुआ हुए हो, हालांकि इससे बड़े मैचेस एशिया कप हो या कोई और कप हो या वर्ल्ड कप हो उसमें इंडिया और पाकिस्तान से बड़ा मद्दे मुकाबले तो कोई टीम नहीं होती, लेकिन कभी दोनों के क्राउड ने इस तरह का मुजाहरा नहीं किया जो कल रात को देखने को आया। उनका गम गुस्सा क्राउड का तमाशीन का अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह से कुर्सियाँ उठाना कुर्सियाँ फेंकना और फिर इस तरह के वीडियो जो हमने मैंने देखी हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, तो एक इंतहाई शर्मनाक बात है। मेरे अपने ख्याल में गेम को गेम रहना चाहिए और गेम को गेम समझ के खेलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें के अच्छा तासुर नहीं देती फ्यूचर के लिए भी, इसलिए अफगानिस्तान की टीम को उनके तमाशाइयों के साथ हमारी भरपूर हमदर्दियाँ तो शामिल है, लेकिन प्लीज़ मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोबारा, और उमर गुल से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस टीम को थोड़ा समझाएं, इनको एथेटिक्स सिखाएं और इनको थोड़ा सा मिच्योर बनाएं इस हिसाब से कि हार को भी कबूल करें। हार जो है वो इतनी, अगर आज हारेंगे तो कल जीतेंगे कहने की बातें और भी हैं, आज फ्लड के हवाले से भी मुल्की सियासत के हवाले से, लेकिन आज का मेरा वीलॉग सिर्फ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से था, और आप साहब को मुबारकबाद थी, और मैं इस उम्मीद के साथ वीलॉग को ख़त्म करूंगा कि इंशाल्लाह एशिया कप का फाइनल जरूर जीतेगा, श्रीलंका के साथ है जो, और ये हमारी जीत होगी, और मैं इंडियन टीम को और अफगानिस्तान टीम को यही एक नसीहत करूंगा कि इंडिया अफगानियों को थोड़ा समझाए भी और सिखाए भी, और पाकिस्तान के लिए भी ये मशवरा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।